रॉक सीन्स, तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा न्यूजीलैंड बास्केटबॉल लीग का एनजी वर्सेस सीएआर के बीच 2 घंटे 27 मिनट बाद। बात करें भाइयों इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, लाइनअप्स के बाद आपको इसकी फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे। टेंशन मत लेना, टीम मैं ओपन भी देता हूँ, इसी ये मत समझना। ये देखिए अभी अभी भी दिए ओपन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं मैच और मैच की प्रेडिक्शन। चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें आपने मीडियम इन्वेस्टमेंट के साथ हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर खेलना है, इससे ज़्यादा मत खेलना, मीडियम इन्वेस्टमेंट रखना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा रिस्की मैच है, अभी बताऊँगा क्यों। बात करूँ यहाँ से लेने वाला एक टॉप का प्लेयर नाम है टेलर ब्रिट के साथ मैं इसलिए गया, ये 18 जुलाई का मैच तो खेला नहीं था इवन, मतलब टोटल आप देख सकते हैं सिर्फ इतने में से मैच खेला है, एक 15 जुलाई 16 जुलाई का और एक 25 जुलाई का, और इसी मैचेस में इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, हर बार 30 अबव मारने की कोशिश की है, 104 इसके टोटल पॉइंट्स है। लेकिन अगर हमें ये नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है कि प्लेयर का वर्क कैसे है, तो प्लेयर भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और मेरा भाइयों फेवरेट प्लेयर है। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा नीचे से थोड़ा लो प्लेयर जिसका नाम है टी जॉनसन। पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था जैसे कि आप देख सकते हैं, बीच में इसने काफ़ी हाईएस्ट भी मारा हुआ है, लेकिन अब देखा जाए तो अब नॉर्मल खेलता है, मतलब ज़्यादा नहीं, आठ नौ पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। लेकिन भाई क्या करें, अब आज शायद ही कुछ ज़्यादा मारने की कोशिश करेगा क्योंकि आज एनजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आगे से बात करूँ शूटिंग गार्ड से, तो यहाँ से लेने वाला एक और प्लेयर जिसका नाम है टी इंगम को पहले बिल्कुल सिलेक्शन में लोग ले नहीं रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं 32 सिलेक्शन 39% सिलेक्शन, लेकिन अब ये बहुत ज़बरदस्त खेलना शुरू हो गया अचानक से दोबारा, तो आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। आज के मैच में भी 25 से 30 मारने की ज़्यादा कोशिश करेगा, 25-30 आपको पता ही है कि बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, मैं 25-30 की बात कर रहा हूँ भाई इस चीज़ की, पॉइंट्स 30। आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वाला जे एक्सटर को, जे एक्सटर पिछला मैच खेला नहीं था, तो भाइयों इस बार अगर खेला तो मेरी टीम में ज़रूर होगा, क्योंकि लाइनअप्स आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या टीम लेनी है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल टीम है, लेकिन इसलिए मैंने इसको चुना है क्योंकि अभी हमारे पास क्रेडिट मेंटेन नहीं है और उसी के साथ साथ भाइयों हम और कोई प्लेयर को ले भी नहीं सकते। आगे से बात करूँ स्मॉल फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लिए डी ब्रुक्स को पहले लोग नहीं लेते थे, मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं इसको इसलिए नहीं लेते थे, पहले ये ओपनिंग फाइव में नहीं आता था, लेकिन अभी ओपनिंग फाइव में आता है और ओपनिंग फाइव में मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़बरदस्त खेलना शुरू हो गया, 30-40 पॉइंट मारने की इसके अंदर क्षमता है और एनजी का टॉप का प्लेयर है भाई, मैं आपको बता दूंगा। आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वाला हूँ एक नॉर्मल सा प्लेयर जिसका नाम है एन ट्रेथन का क्या है भाइयों, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लेयर जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मतलब कई बार इतना बकवास खेल जाएगा कि आप बोलोगे यार क्यों ले लिया, और कई बार इतना अच्छा खेल जाएगा कि आप बोलोगे भाई वो क्यों नहीं लिया, और आज के मैच में इसने अच्छा ही खेलना है क्योंकि एनजी की टीम आज ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, फिर बता रहा हूँ आपको। आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा मैसन को, तो मैसन 2 मैचेस खेला, 2 मैच में लाइनअप्स में नहीं था और 2 मैचेस में लाइनअप्स में था, तो 21 पॉइंट दिए इसने टोटल, मतलब आपको नॉर्मली ज़्यादा पॉइंट तो नहीं देगा, मतलब नॉर्मल 8-9 पॉइंट देके जाएगा क्योंकि 4.5 क्रेडिट का प्लेयर है, नॉर्मल प्लेयर है भाइयों। आगे से बात करूँ सेंटर की, से लेने वाला हूँ माइक को, क्योंकि आपको पता है पहले इसको लोग इतना कैप्टन रखते थे अपने जब भी ये आया था, क्योंकि भाई लोगों को लगता था कि ये ग्रैंड लीग जितवा के जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ा इंप्रूवमेंट आई है इसके अंदर, लेकिन एनजी का प्लेयर तो आज मुझे लगता है कुछ खास करेगा। बाकी एनजी का ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, आप इसके साथ जाना चाहे तो जा सकते हैं, जिसका नाम है जेड लोवल। आगे से बात करूँ भाइयों एसपी की, तो एसपी लेने वाले डी ब्रुक्स, क्योंकि डी ब्रुक्स के अलावा और कोई मत चुनो, क्योंकि डी ब्रुक्स सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, और अगर आप ब्रांड लीग खेलते हो तो इसको एक बार देख सकते हो ट्राई करके, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपको बता दूँ और आगे से बात करूँ भाई ये भी आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।